मोदी उपनाम टिप्पणी के केस में दोषी करार होने के बाद राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट से सांसदी चली गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि जिस पर कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी जाने के कुछ महीनों बाद ही निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल गुजरात की एक अदालत ने इसी साल मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। और अब जो अपडेट आया है वो ये है कि कोझिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते उप जिला अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 5 जून को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर मॉक से मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद वायनाड लोकसभा पर उपचुनाव होगा। आयोग ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की पुनर्विचार अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। इसी मामले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोझिकोड जिला कांग्रेस कमेटी प्रमुख के प्रवीण कुमार ने कहा कि हमें निर्वाचन आयोग के इस कदम के पीछे एक रहस्य दिख रहा है। आयोग ने अपील के लंबित रहते अदालत के फैसले के बारे में पहले से ही कैसे जान लिया? राहुल की अर्जी पर उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह रहस्यमय और संदेहास्पद है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि किस प्राधिकार के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए काम करना शुरू किया है। आपको बता दें कि 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी थी। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में राहुल को सजा सुनाए जाने वाले दिन से ही अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद से अयोग्य घोषित किया गया था और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद फिलहाल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक कि उनकी दोष सिद्धि पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगा दी जाती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।